बबीता मिश्रा हो सकती हैं किसी भी वक्त गिरफ्तार। जानते हैं दोस्तों, पवन सिंह और ज्योति सिंह जी के बीच में कुछ ज्यादा ही एक्टिव दिखने वाली बबीता मिश्रा के ऊपर अब FIR हो गया है। पवन सिंह जी के एक करीबी जो लखनऊ के हजरतगंज थाने में बबीता मिश्रा जी के खिलाफ FIR दर्ज करवा दिए हैं। दरअसल दोस्तों, पिछले दिन एक कॉल रिकॉर्डिंग वायरल होती है ज्योति सिंह जी का। बबीता मिश्रा एक इंटरव्यू देती हैं जिसमें कहती हैं कि पवन सिंह और ज्योति सिंह के बीच कुछ भी अच्छा नहीं है। उसमें बार बार ये कहा जाता है कि ज्योति सिंह को प्रताड़ित किया जा रहा है, वो फांसी लगा लेगी, वो सुसाइड कमिट कर लेगी, ऐसा ऐसा। तो दोस्तों, FIR में ये लिखा गया है कि बबीता मिश्रा सोशल मीडिया के थ्रू ब्रेन वॉश करके ज्योति सिंह को आत्महत्या के लिए उकसा रही है, ऐसा इस FIR में लिखा गया है जो कि स्क्रीन पे चल रहा है। दोस्तों, पिछले दिनों जो भी हुआ पवन और ज्योति के बीच में, वो सब कुछ ठीक हो गया था, बात कोर्ट तक पहुंचा, तलाक होने का जो भी था वो, फिर बबीता मिश्रा मीडिएटर बनी और सब कुछ ठीक हुआ। बबीता मिश्रा के बीच में आने के बाद सब कुछ ठीक हो गया था, लेकिन फिर चुनाव के बाद बबीता मिश्रा का ये एक बयान आता है उस टाइम भी कि चुनाव के बाद फिर पवन सिंह ज्योति सिंह को छोड़ देंगे, और हुआ वही। आज जो भी लफड़ा चल रहा है पवन और ज्योति के बीच में, वो सिर्फ इसी बात को लेकर चल रहा है कि पवन सिंह जी ज्योति सिंह के साथ नहीं रहना चाहते हैं, लेकिन इस बीच में बबीता मिश्रा के ऊपर FIR हो गई है। ये वही बबीता मिश्रा है जिसकी वजह से पवन सिंह ज्योति सिंह एक हुए थे। आज क्या हो गया कि फिर उसी बबीता मिश्रा के ऊपर खुद FIR हो जाती है पवन सिंह के टीम की तरफ से। जानते हैं दोस्तों, ज्योति सिंह जी अभी खुल के कभी इंटरव्यू नहीं दी हैं दोबारा, लेकिन हाँ, उनके बीच में एक कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हो रही है जिसकी वजह से लोग कयास लगा रहे हैं कि इन दोनों में कुछ भी सही नहीं है। इसी बीच पवन सिंह के द्वारा उनके ऊपर FIR करवाना ये पुष्टि कर देता है कि उन दोनों के बीच में कुछ भी सही नहीं चल रहा है। और बबीता मिश्रा पे फिलहाल FIR हो चुका है हजरतगंज थाने में, लखनऊ के हजरतगंज थाने में FIR हो गया है, और उनको किसी भी वक्त गिरफ्तार कर लिया जाएगा ज्योति सिंह को मेंटली हरास करने के जुर्म में, ज्योति सिंह को सुसाइड कमिट करने के लिए उकसाने के जुर्म में कभी भी उनको गिरफ्तार किया जा सकता है। फिलहाल अभी उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन दोस्तों क्या ये सही है? ये बवाल मच क्यों रहा है? अगर पवन जी अपने रिश्तों को सुधार लें, ज्योति सिंह के साथ अच्छे से रह लें, ये पूरा भसड़ मचे ही क्यों? कहीं ना कहीं पवन जी की गलती है, कहीं ना कहीं ज्योति मिश्रा की गलती है, कहीं ना कहीं इनके आपसी झगड़ों के बीच में बबीता मिश्रा पिस गई है। खैर, इसीलिए कहते हैं ना, बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि दूसरों के खद्दे में टांग नहीं अड़ाना चाहिए। बबीता मिश्रा को इस बात की सजा मिल रही है कि वो मीडिएटर बनी, उन्होंने चीजों को सुलझाया। खैर, अब जो भी होगा देखते हैं आगे क्या होगा। बाकी FIR हो चुकी है, वो किसी भी वक्त गिरफ्तार हो सकती है।